ठीक है, एवरीवन्स लव रिमेम्बरेंसेस। सबकी याद और प्यार लेके जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई तो बाबा बहुत प्यारी दृष्टि से, जैसे प्रेम हम सबको दे रहे थे, और वो जो स्नेह बाबा हमको दे रहे थे उसमें बहुत अनुभव था, और वो अनुभव था जैसे बाबा के साथ बहुत प्यारा संबंध हो हमारा। और बहुत अच्छा था कि मैं आत्मा, परमात्मा की बच्ची, बाप दादा की बच्ची, मीठे बाबा के बच्ची, बाबा हमको इतना प्यार दे रहे हैं और हर एक को दे रहे थे। तो फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं भोग लेके आई हूँ, आज तो सद्गुरुवार है। तो बाबा ने फिर बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया, और बाबा पूछ रहे थे कि अगर आप सदाई ऐसे हल्के रहते हो, या कभी हल्के कभी भारी ऐसे रहते हो, तो मैं मुस्कुराने लगी। और मैंने बाबा कहा, बाबा हमें हल्के ही रहना है। लेकिन बाबा ने कहा, जब आप हल्के रहते हो तो आप खुश रहते हो, लेकिन अगर कोई बोझ का अनुभव करते हो तो फिर उड़ नहीं सकते, खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे थे कि आप फिर बोझ क्यों उठाते हो, क्योंकि जब आप कोई सफर कर रहे हो तो जितना हल्का आप चलोगे तो आपकी यात्रा उतनी सहज हो जाएगी, लेकिन अगर आप बोझ लेकर चलोगे तो फिर क्या होगा। क्योंकि कई लोग, कई बच्चे ऐसे हैं जो अतीत की बातें लेकर, अलग-अलग संस्कारों को लेके, बोझ लेके चल रहे हैं, भारीपन से चल रहे हैं। लेकिन जब भारी बहुत बोझ लेके चल रहे होते हैं तो क्या होता है, फिर अपने सामान की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, वो सब कुछ वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, पूरा समर्पण बाबा को, तो सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और जब एक बार वो बाबा का है तो फिर वो कैसे यूज होगा, सफल होगा। तो ना कि सिर्फ वो सफल होगा, पर कई गुना बढ़ भी जाएगा। तो जब हम बाबा को देते हैं तो बाबा को देना ही लेना है, तो कई गुना बढ़ के हमको मिलता है। तो उसके बाद बाबा कह रहे थे कि अगर आप हल्के हो तो ये बहुत सहज है बाबा को फॉलो करना, हमारी यात्रा बहुत सहज हो जाएगी और आप सदा के लिए खुशी का अनुभव करोगे। तो क्यों आजकल बहुत जरूरी है खुश रहना? क्योंकि बाहर दुनिया में ना कि सिर्फ बहुत नकारात्मकता है, परंतु बहुत सफरिंग भी है ना। लोग दुखी हैं, ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन तुम बच्चे अपनी खुशी की जो वाइब्रेशन है, हल्केपन की जो वाइब्रेशन है, उससे और आत्माओं की भी मदद करते हो। तो हर रोज सिर्फ कहो, बाबा मैं आपकी हूँ, जो कुछ है वो सब आपका है, तो आप हल्के हो जाओगे, खुश हो जाओगे। और फिर बाबा कह रहे थे कि आप फिर दूसरी आत्माओं की भी सेवा कर पाओगे बहुत अच्छी रीति से। लेकिन बाबा कह रहे थे, अगर आप खुद ही कोई बोझ लेकर चल रहे हो या चिंता लेकर बैठे हो, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा कभी कभी कोई बोझ आ जाता है, चिंता भी आ जाती है अगर कोई परिस्थिति हो। तो बाबा कहते, अरे अगर तुम्हें परिस्थितियों से मुक्त होना है तो फिर आपको बाबा को याद करना चाहिए। तो बाबा सब बंधनों को मुक्त कर देंगे, हमारे सब बोझ ले लेंगे। तो इसीलिए तो हम बाबा को करण करावन हार कहते हैं ना। बाबा कहते, मैं सदा उपस्थित हूँ अपने बच्चों की सेवा के लिए। तो मैंने कहा, बाबा ने कहा, क्योंकि मेरे बच्चे सदा मेरी सेवा करते हैं, तो
तो बच्चे सेवा करते हैं, याद में रहते हैं, तो बच्चे तो बाबा की सेवा में ही बिजी है ना, तो बाबा भी बच्चों की सेवा में ही रहते हैं। तो सदा बाबा की तरफ देखो और सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। कभी कभी बाबा कहते कि कभी कभी अगर कोई बहुत परिस्थिति है तो वो आपके लिए गिफ्ट उपहार बन जाए। अभी वर्तमान समय में सब कुछ आपको बाबा से मिल रहा है, सब कुछ बाबा से मिल रहा है। तो सोचो, अपनी प्राप्तियों के बारे में सोचो कि अब आगे क्या, अब और क्या होने वाला है, अब और क्या होगा। तो बाबा हमको बहुत सारे उपहार दे रहे हैं और बाबा कह रहे थे हल्के रहो, खुश रहो। और फिर बाबा ने बहुत सारा प्यार दिया हर एक को, हम में से हर एक को बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया। और फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। राज माँ के लिए नहीं कहता है, तो कोई नहीं कहना मैं चूल्हा हूँ, उस समय तो कहेंगे सिकंदर है मुझे बता दो। तो हर एक को सिर्फ दो शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष चीज लिखना कि ये अपना जिस 19 साल का पोता मेल है, तो जो पोस्ट वाली है ना उसके पास नहीं सारी पोस्ट वाली करती हूँ, वो अलग मुझे। और अंदर क्या लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में निचावर, सिर्फ व्यर्थ संकल्प 50% या 100% निचावर हुआ। बस एक लाइन लंबा चौड़ा नहीं लिखना, जो लंबा चौड़ा लिखेगा ना उसका पहले फाड़ देंगे। तैयार हो, जोर से बोलो हाजी हाजी। जो समझते हैं इसमें मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही नहीं लगेंगे, पहले से छुट्टी है आपको। है कोई जो पीछे लिखेंगे और शहर तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं पके पके। अच्छा, तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई, सिर्फ पवित्रता के कारण। तुम
ये व्यर्थता करना ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन अभी जितना आगे बढ़े हो स्टेज बचपन की अभी नहीं है, अभी तो आठ बरस तक स्थिति में जाना है। तो मैं तो ब्रह्मचारी रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सब इसमें कुछ नहीं होता। वैसे तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को और अंडरलाइन करो, अभी भी अंडरलाइन करने की है, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत, क्या करें कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। Transform the atmosphere with volcanic yoga tapasya. Om Shanti. ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो, फॉलो फादर करो। सारथी माना आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। तो ब्रह्मा बाबा ने इस विधि से नंबर वन की सिद्धि प्राप्त करी। तो फॉलो फादर करो, जैसे बाबा देह की अधीन कर प्रवेश होते माना सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो कुछ भी करेंगे, देखेंगे सुनेंगे सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति। ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज दिन 24 है, ज्वालामुखी योग से वातावरण को परिवर्तन करो। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की मुबारक हो आप सभी को। तो बाबा कहते खुश रहो, हाँ बाबा भी खुश है, आप भी खुश रहो। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है, मैं जानती हूँ आप लोगों में से कई तो बहुत अच्छे हैं इसमें खुश रहने में। और बाबा जो कह रहे हैं आज समर्पण की बात, पवित्रता की बात, तो जो पवित्रता होती है हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में, तो हल्कापन होता है। तो कोई भी चीज जो पवित्र होगी वो हल्की होगी, और साथ साथ समर्पण, तो अपने साथ कुछ भी ऐसे नहीं लो। अगर आपको कुछ लेना है तो बस देखो कि सदा याद रखो कि सब कुछ ठीक है, और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना, बाबा सदा हमारे साथ है, तो सब अच्छे से अच्छा होगा। तो समर्पण, समर्पण क्या है कि सब बाबा को दे दो, हाँ, और फिर ड्रामा को साक्षी होकर देखो। तो मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग इस चीज को अनुभव करते हो, कम से कम कुछ कि अपनी स्मृति में रहे कि मैं सारथी हूँ, इस रथ की सारथी, और मुझे न्यारे होकर रहना है। तो मैं ये सोच रही थी कि कल जब मैं श्री कृष्ण और अर्जुन की बात बता रही थी, तो मैं समझती हूँ कि सहज है ना ये समझना। तो हम लोग भी तो ऐसी ही स्थिति में हैं। तो एक बार हम अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया, माना कि मैंने अपनी रथ की जो लगाम है वो बाबा को दे दी। लेकिन फिर अगर ये मेरा रथ है तो बाबा रथी है। अगर मैं अपने बुद्धि को बाबा को संपूर्ण रूप में समर्पित कर दूं तो बाबा मुझे सदा गाइड करेगा कि मुझको किस तरफ जाना है, कौन से रास्ते पर जाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें दे देना है बाबा को, अपने रथ की लगाम बाबा को सौंप देनी है, और वो क्या है, हमारी बुद्धि, बुद्धि लगाम है ना। तो बाबा जब समर्पण की बात करते हैं, माना अपनी बुद्धि की लगाम बाबा को दे दिया, और बाबा को रथी बनना है ना, तो बाबा सारथी बन जाएगा। तो बाबा असल में सारथी है मेरे इस रथ का, सारथी बाबा है। तो फिर क्या है, आत्मा का भी और इस देह का भी। तो मैं तो सदा ये याद रखती हूँ, तो मैं बुद्धि में ये हमेशा रखती हूँ कि बाबा मेरा गाइड है, मैंने अपनी सब लगाम बाबा को दे दी है, बाबा के हाथ में दे दी है। क्योंकि जो अर्जुन की कहानी दिखाई है ना, वो कई बार मूंझ जाता है कि ओ, उसकी वृत्ति, उसकी सब कुछ परिवर्तन हो जाता है युद्ध के टाइम, कई बार कंफ्यूज होता रहा। लेकिन श्री कृष्ण उसको बता रहे थे ये करो, ये करो, अब ये करो, तो पूरे टाइम वो उसको गाइड किया उन्होंने युद्ध में। तो ऐसे ही हम बाबा को अगर अपने गाइड के रूप में रखते हैं, देखते हैं, तो बाबा हमें हर कदम में गाइड करते हैं और हमको रास्ता दिखाते हैं। और ये भी हमारा होम, कल के लिए होमवर्क भी है ना हमारे लिए, ये तो हम सब ये होमवर्क करें, फॉलो फादर कैसे करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो सारथी हैं के रूप में अगर हम उनको देखेंगे, तो जैसे ही हम ये महसूस करेंगे तो आपको ये लगेगा ना, अगर हम कि हमको कौन रास्ता दिखाए, हमारा कौन गाइड है। कई बार होता है ना रास्ते पर कि हम सोचते हैं कि ओ हमें किस रास्ते पर जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना हम भूल जाते हैं, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस दिशा में जाएं। तो
बाबा को अगर हम याद रखें, थोड़ी देर रुक जाए, और फिर हमको पता है कि बाबा हमको गाइड करेंगे अब हमको किस रास्ते पर जाना है। तो जैसे दादी एक कहानी सुनाते थे ना कि दादी जब जाया करते थे तो एक बार जंगल में पहाड़ी पर जब वो गए तो वहां पे कई बार वो रास्ता भटक जाते थे कि बहुत धुंध थी तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है। तो वो कहते थे, बाबा कहते थे बस बाबा को याद करो तो फिर उनको रास्ता मिल जाता था। तो माना कि ये हमारी भी यात्रा है और इस यात्रा में हमको कई बहुत सारे एग्जिट आते हैं, यहाँ से जाओ वहां से जाओ, बहुत रास्ते आते हैं। तो कहाँ पर जाना है, क्या करना है, तो बाबा हमको गाइड करते हैं। बाबा हमारा सारथी है, वो इस रथ को ले जाएगा सही रास्ते पर, सही दिशा में। तो बस फॉलो फादर करना है। तो इसका अर्थ है कि बाबा क्या करेंगे इस स्थिति में, बाबा क्या करते, बाबा की कौन सी श्रीमत मैं इस परिस्थिति में यूज करूं, और या फिर हम सिर्फ अपनी बुद्धि को यूज करते रहें तो मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम सोच रहे हैं वही ड्रामा में हो, ऐसा तो नहीं है ना, अलग चीज भी हो सकती है। तो फिर क्या होगा, हम जो भी हमने प्लानिंग किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो फिर जैसे इस साल जब हम राखी बांध रहे हैं तो हम सबको कह रहे हैं कि आप व्यर्थ का गिफ्ट बाबा को दे दो, कि बाबा आप मेरा सब व्यर्थ ले लो, और बाबा आप हमको सब खजानों की चाबी दे दो। तो सब बाबा को व्यर्थ दे दो और बाबा से हम सब खजाने ले लें। तो बाबा से भी कुछ मिलता है ना जब हम राखी बांधते हैं। तो अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करना, बाबा को गाइड के रूप में देखना, और बाबा को कहना कि बाबा मैं बस और व्यर्थ नहीं चलाऊंगी, बस इसको मुझसे ले लो और मुझे गाइड करो। और जीवन तो सत्य है ना, तो हमें ये बाबा से संबंध बनाना है, सत्य संबंध, क्योंकि बाबा ही हमारा सुप्रीम परम गाइड है। सतगुरु के रूप में हर कदम में बाबा हमको श्रीमत देते हैं जो हमको हमारी सुरक्षा करती है। तो ये बहुत अच्छा है ना, होमवर्क करने के लिए जब बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तो सारथी माना आत्म अभिमानी, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा रथ है, ये शरीर मेरा रथ है, मैं सारथी हूँ। तो कौन है सारथी, आत्मा है ना। तो सारथी समझेंगे तो आत्म अभिमानी होंगे ना, आत्मा ही सारथी है। तो मैं सारथी हूँ, तो पूरा दिन अगर हम ये रहेंगे इस स्थिति में तो कितना सहज हो जाएगा ना आत्म अभिमानी होकर रहना। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने इस विधि से नंबर वन की सिद्धि प्राप्त की। इसी विधि से बाबा नंबर वन बन गए। तो आप कौन सा नंबर चाहते हो, आपको भी आगे बढ़ना है ना, एक नंबर दो नंबर, कौन सा नंबर लेना है आपको। तो ऐसे ही बाबा कहते फॉलो फादर करो। जैसे बाबा देह को, तो शिव बाबा कैसे आते हैं, उनके तन का आधार लेते हैं, तो देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, मन सारथी बनते हैं। तो ऐसे अपने हाथ में लगाम लेते हैं ना, तो अगर नहीं लेंगे तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे रथ को। तो बाबा देह को अधीन करते हैं, उसमें प्रवेश होते हैं और सारथी बनते हैं।
तो इसलिए ब्रह्मा बाबा न्यारे और प्यारे हैं। तो कितना अच्छा बैलेंस है ना, कहाँ पे प्यारे बनना है, कहाँ पर न्यारे बनना है। कई बार जहाँ पर हमको प्यारे बनना होता है, हम न्यारे बनते रहते हैं कि हाँ ये अपने आप हो जाएगा, अपने आप कर लेंगे, लेकिन जो प्रेम है वो तो स्नेह मदद करता है ना। तो न्यारे भी बनना है, प्यारे भी बनना है, उसका अच्छा बैलेंस रखना है। और ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, आप सब ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो, बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। क्योंकि शिव बाबा तो कभी भी ऐसे उनको लगाव नहीं रहा किसी भी चीज में, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के तन को यूज किया, बहुत समीप भी रहे, तो उन्होंने देखो मुरली सुनाई उनके द्वारा, दृष्टि दी उनके द्वारा, सब कुछ किया, पर कोई अटैचमेंट नहीं था। क्योंकि वही है ना, अगर जिस तन में होते हैं उससे ही सबसे ज्यादा हमारा लगाव होता है। लेकिन कैसे हमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का को एग्जाम्पल रूप में सामने रखना है। तो जब बाबा कह रहे हैं सारथी स्वतः साक्षी हो, कुछ भी करेंगे तो माया के लेप छेप उनको नहीं लगेगी, चाहे वो जो भी देखेंगे सुनेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। माया जैसे छाया है तो वो पीछे पीछे आती है जहां भी हम जाते हैं, लेकिन माया को छाया की तरह देखेंगे तो। लेकिन अगर हम देखते हैं ना कि छाया सत्य तो नहीं होती, वो तो परछाई है। जैसे कि मैंने कहा ना कि जब आप अगर आप परछाई को सत्य की रूप में देखेंगे तो तब प्रभाव लगेगा, तब आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो माया भी ऐसे ही हमारा पीछा करती है जैसे परछाई होती है, लेकिन हमको बाबा को फॉलो करना है, हम बाबा को फॉलो करेंगे तो ताकि फिर वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो न्यारे रहो, प्यारे रहो, आत्म अभिमानी हो के रहो, ये हमारा अभ्यास हो कल पूरा दिन के लिए, हमारा पूरा होमवर्क होगा ये कल के लिए। तो मैं समझती हूँ कि बहुत स्पष्ट हो गया ना ये तो अभी पॉइंट। की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी। आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। जैसे हमने देखा कोई मनुष्य झूठ बोलता है, थोड़ी घड़ी लिए उसने किसी की झूठ बोला अथवा कोई चोरी किया तो उसे पूछा जाता है तो कहता नहीं मैंने तो नहीं किया, फलाने ने किया। फिर उसी को झूठ को छिपाने लिए एक झूठ दूसरा झूठ कई बातों से वो सिद्ध करता कि मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, लेकिन बोला पूरा ही झूठ है। If somebody does something wrong, if they lie or cheat or deceive or steal, and if you ask them, then initially they'll say, "No, I didn't do it. It was somebody else." And they've spoken that one lie. But after that one lie, they'll have to speak many other lies in order to hide that one lie. तो हम उनसे पूछती हूँ
कारण क्या है जो तू सच क्यों नहीं बोलते हो? एंड सो आई आस्क्ड देम, व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज इट दैट यू डोंट टेल द ट्रूथ? तो कारण का जवाब देता कि मेरी, मैं इसमें अपनी इंसल्ट समझता हूँ क्योंकि दूसरे लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे। एंड इफ आई आस्क्ड देम व्हाई इट इज दैट दे आर टेलिंग सच अ लाई, they'd say that I would consider it to be an insult because people would see me with a bad vision. तो ये कारण बना कि अपने मान और शान के कारण मनुष्य झूठ बोलता। And so that indicates that people speak lies in order to preserve their respect and their honor. परंतु ऐसे भी हमने देखा कि जो सच बोलता है वो बड़ा निर्भय रहता है। But I've also seen that those who really tell the truth are always fearless. भल कहा कि कईयों को ये लगता कि इसने सच बोला, अपनी बात को सच बोल देता, अकल कम है। Sometimes people say that this one is telling the truth and he doesn't have the sense to know when to say what. आज अगर ये सच बोलेगा तो उसके दुकान पर तो कोई ग्राहक भी नहीं है। If this person really tells the truth today, then tomorrow he won't have any customers left in his shop. लेकिन हमने ये भी देखा कि जो सच बोलने वाले होते हैं, आज नहीं भी उनको कोई मानते, कल उनको बहुत फेथ करते, विश्वास करते अनेश दीप के ऊपर। Some people may not respect a person who tells the truth now, but there will come a time when they will respect their honesty and will trust them and have faith in them. और practically वो अनुभव करता कि मैं सच्चा दुकान चलाता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, तो सच्ची बात के कारण अनेक मेरे faith के ऊपर मेरे पास ग्राहक भी आते। And that person will really experience that I conduct my business on the basis of honesty and truth, and it's because of that that I still have customers, I still have my business running. क्यों इतना तो फिर भी आप हम जानते कि सच के पीछे अनिष्टि होती तो अनिष्टि को तो सब कोई चाहेंगे। We all know that when there is honesty, then people respect honesty. इसलिए एक कहावत है, सच को एक सिंधी में कहते हैं, सच तो बीठो नच। In Sindhi there is an expression that the one who tells the truth is the one who always dances. झूठा मनुष्य सभी के बीच नाच नहीं सकता, लेकिन सच्चा मनुष्य तो बेफिक्र होकर के नाच सकता। A person who is dishonest cannot dance in front of many people, but the one who is truthful and honest will always dance. ये भी देखा गया है, एक उदाहरण में देते कि नैया में सोना रखो तो नैया, और दूसरी नैया में झूठा आहरण रखो तो तूफान आएगा, तो झूठ की नैया तो हिलेंगी नहीं पर सच की नैया हिलेंगी, लेकिन रिजल्ट में झूठी नैया डूब जाएंगी, भारी होंगी, और सच्ची नैया तो हल्की होंगी, वो तो पार हो जाएंगी। It is also said that the boat of truth may shake, but it will never sink. And they also say that if you were to have two boats, one boat with gold in it, another boat with false things in it, such as iron, which would be very heavy, if there was a storm, then that boat filled with iron which is more likely to sink than the boat with gold in it, because real gold is always light, and because of lightness that boat would never sink. तो ये संसार भी एक एक समुद्र है, और उसके बीच में हमारी नैया चलती है। This world is like an ocean, and within this ocean is the boat of each one of us. इसलिए ये जो दुनिया नीचे गिरती जा रही है, वो कारण यही है कि झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ चलने से दुनिया नीचे गिरती जा रही है, डूबती जा रही है। The world is sinking more and more day by day, and the reason for that is that there is a great deal of falsehood in the world. और ऐसे समय में ही सत्यता माना ही
ये स्पिरिचुअल पावर. एंड इट्स एट अ टाइम लाइक दिस ट्रूथ मीन्स द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और ये हम जानते कि इसी स्पिरिचुअल पावर में ही सत्यता होती जो इस संसार सागर से पार ले जाए. We know that there is power in truth, and it's with this power of truth that the boat of this world is going to go across. इसलिए कहा जाता सत्यता की हमेशा जीत होती. And this is why it is also said that there is victory for truth. भल कहा सत्यता वाले को सहन करना होता लेकिन वैल्यू उनकी होती. A person who is truthful may have to tolerate a great deal, but still there is value for such a human being. जैसे आज की दुनिया में हम देखती हूँ कि artificial jewelry का बहुत ही market चलती है. I've seen that in today's world especially, there's a huge market of false jewelry. तो artificial दुनिया को artificial जेवरों का बहुत शोभा चाहिए. And of course, an artificial world will have a great deal of beauty of artificial jewelry. परंतु फिर भी हम पूछती हूँ कि जो सच्ची ज्वेलरी होती सोना होता उसकी वैल्यू क्या आर्टिफिशियल की ज्वेलरी की वैल्यू बराबर होगी. And I would still ask, would the value of real jewelry, real gold, be equivalent to false jewelry? खुद ही बताते ज्वेलर कि ये 14 कैरेट सोना है इसमें, इसमें 20 कैरेट सोना है, इसमें 24 कैरेट सोना है. Goldsmiths themselves will tell you this jewelry has 14 carats, this has 20 carats, this has 22 carats or whatever. लेकिन 24 कैरेट सोने का जो दाम है वो कोई 14 कैरेट सोने का तो दाम नहीं होगा ना. And of course the price of 24 carats gold will not be the same as 14 carats gold. ऐसे ही डायमंड है, अगर प्योर डायमंड है तो उसकी कितनी वैल्यू होती, और अगर कोई डायमंड में फ्लो है तो उसकी कितनी वैल्यू होती, और जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसकी कितनी वैल्यू होती. एंड देयर इज आल्सो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमंड्स. अ रियल डायमंड एंड अ फ्लॉलेस डायमंड विल बी मोर एक्सपेंसिव देन अ डायमंड दैट हैज फ्लॉज इन इट. एंड ऑफ कोर्स दैट डायमंड विल बी इवन हैव मोर वैल्यू देन अ फॉल्स डायमंड ऑल टुगेदर. तो अब खुद से पूछो कि हम रियल सच्ची डायमंड आत्मा हूँ या मैं आर्टिफिशियल इस दुनिया के मान शान वाला ये मनुष्य देहधारी मनुष्य हूँ. आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, एम आई लाइक अ रियल डायमंड और एम आई लाइक अ फॉल्स डायमंड ऑफ दिस वर्ल्ड, अ वर्ल्ड इन विच आई मायसेल्फ डिजायर एक्सटर्नल रिकग्निशन एंड प्रेज एंड वांट पीपल टू एक्नॉलेज मी.
Om Shanti Avikti Parivar. So tomorrow is very special day. Tomorrow is the Dadi's Day. So Om Shanti Avikti Parivar. Kal ka din bahut hi vishesh hoga. Kal to Dadi ka din hai. To kal vishesh bhog swikar karayenge. तो सुबह 3:30 से ही शुरू होगा, फिर मेडिटेशन हिंदी सीरीज शाम को 6:45 पर, फिर दादी के लिए विशेष पेक स्वीकार कराया जाएगा, और फिर इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश सीरीज होगी. तो ये कल का हमारा स्केड्यूल रहेगा. तो आप लोग कल हमारे साथ रहना विशेष अनुभव के लिए. अगर आप चाहते हो तो आप भी अपने घर में अच्छा भोग बनाकर और एक साथ स्वीकार करा सकते हैं. तो अभी हम मुरली रिवाइज करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. अव्यक्त मुरली. 22 जून 1971. तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां. शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है. इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो. इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी प्यारी स्थिति कहा जाता है. तो ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हो. जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य करना हो तो नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं. ऐसे ही अपनी उच्च स्थिति माना असली स्थान को क्यों भूल जाते हो? ऐसे ही समझ कर चलो कि अभी अभी अल्प काल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है. फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को नहीं भूलेंगे. तो ये स्मृति समर्थी दिलाती है. स्मृति अगर कम है तो समर्थि भी कम है. समर्थि माना शक्तियां. तो मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्मसिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्व शक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्मसिद्ध अधिकार है. तो ये स्मृति की स्टेट जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सदा रहनी चाहिए. ऐसे अनुभव करते हो कि सदा अपने जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है? अपने को सपूत समझते हो? जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं. तो कोई ने कहा सपूत, कोई ने कहा हम बन रहे हैं. अगर सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो, सबूत दोनों बन रहे हैं. तो अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी. अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करते रहेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे? 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे
तो उसके बाद दो चार वर्ष में सबूत दोगे, सपूत तो हो ही। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते? सरेंडर हुए हो या सरेंडर अभी भी होना है? तो सरेंडर होना सपूत पना नहीं है, समझा? तो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं। तो जो ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं उनको सपूत कहेंगे ना। तो कहां कहां बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है, जैसे पेपर के टाइम, अगर पेपर करने की बजाय क्वेश्चन के बारे में सोच चलती रहे तो पेपर रह जाता है। तो ज्यादा सोच में नहीं जाना है। बाबा समझते हैं सपूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं ना। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वो भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। इसलिए हर कार्य में विजय हो, ये रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाबा में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना, उसकी कमी है। इस कमी को कब भरेंगे? दो तीन वर्ष तो स्वप्न में भी नहीं सोचना। क्या कहना चाहिए? दो तीन वर्ष नहीं, क्या कहना चाहिए? अभी अभी जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनके मुख से तो कभी शब्द भी नहीं निकलेगा। वो तो सदा अभी, सिर्फ अभी कहेंगे, ना कि सिर्फ कहेंगे बल्कि अभी अभी करके भी दिखाएंगे। ये है तीव्र पुरुषार्थी। ओम शांति।